एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो होने वाली है अगेन एक होम डेकोर हॉल वीडियो। तो जब तक मैंने बोला ना मेकओवर नहीं आ जाते हैं तब तक आपको बहुत सारी हॉल्स देखने को मिलेगी। सो बेसिकली ये वाला जो सामान है ये मेरे वहाँ के घर के लिए नहीं है, ये जिस घर में मैं अभी प्रेजेंट हुई मेरी मम्मी का घर है, यहाँ के लिए मैंने कुछ सामान मंगवाया हुआ है। तो मैं फटाफट से शेयर करती हूँ, थोड़ा सा फेस्टिव थीम को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सामान मंगवाया है एंड साथ ही साथ जो जो एक दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी घर के लिए वो चीज़ें मैंने मंगवाई है। सो येस विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आते हैं सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट पे। ओके, सबसे पहले आते हैं कुशन कवर्स के ऊपर, बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन आ ही गया है ऑलमोस्ट, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मंगवाया है। सो दिस इज द सेट ऑफ 5 कुशन कवर्स एंड इतनी बढ़िया क्वालिटी है, मतलब मैं दिखाने से पहले ही बोल रही हूँ कि इतनी बढ़िया क्वालिटी के आए हैं ये 5 का सेट है। दिस इज अ डार्क ग्रीन कलर। आई डोंट नो ये कैमरे की स्क्रीन पे मुझे रामा ग्रीन लग रहा है, बट दिस इज जो एक्चुअली ग्रीन कलर होता है ना ये वैसा कलर है। आई थिंक पास से दिखाती तो आपको समझ में आएगा, ये ब्लूइश दिख रहा है। उसके बाद ये है डार्क ब्लू कलर, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ब्रोकेट जो होता है ना, ब्रोकेट के कपड़े होते हैं ये, उस तरीके का है। एंड ये है सेकंड इसका कलर। उसके बाद जो थर्ड कलर है वो है ये मस्टर्ड येलो कलर। उसके बाद जो फोर्थ कलर है दैट इज दिस ऑरेंज कलर। एंड उसके बाद जो फिफ्थ कलर है वो है ये एकदम चटक वाला जो रेड होता है। तो सारे कलर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, 5 का सेट है। एंड यू नो ऐसे दिवाली वगैरह पे आप किसी भी अपने फेस्टिव उसमें इसको लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो ये है फर्स्ट सेट। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, बट बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है। पीछे से मतलब फैब्रिक वगैरह सब कुछ का काफी ज्यादा अच्छा है। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट, इस दिस बॉलस्टर कवर्स मैंने मंगवाया हुआ है, मतलब जो दीवान के साइड में नहीं लगाते हैं, लोड जिसको बोलते हैं। दीज आर द कवर्स। अगेन मैंने थोड़ा फेस्टिव थीम को ध्यान में रखते हुए, मतलब ऐसे डेली के लिए नहीं है ये, सिर्फ फेस्टिव में जब भी आपको लगाना है फिर लगा करके आप हटा दो। तो ऑरेंज एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है ये, एंड यहाँ पर इस तरह से गोल्डन कलर की बॉर्डर्स लगी हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड साथ में इसी का जो पॉली सिल्क फैब्रिक है उसी का ये भी आया हुआ है डोरी, क्योंकि यहाँ पर अंदर डालना रहता है, इंसर्ट करना रहता है। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब पूरा लुक चेंज हो जाएगा इन दो चीज़ों से ही लिविंग रूम का। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो मैंने मंगवाए हैं कर्टन्स का सेट मंगवाए हैं। क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा सही लग रही है, इसमें हल्के हल्के मस्टर्ड येलो कलर के प्रिंट्स बने हुए हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक और कलर मंगवाया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पूरा एकदम ऐसे डल डल सा ना लगे, तो इसके कंट्रास्ट में एक और कलर है। तो वो जब डेकोर हो जाएगा ना यहाँ का, जब तो मैं आपको एक टूर दे दूंगी जब ये सारी चीजें जम जाएंगी फेस्टिव वाले में, तो आपको और आइडिया आ जाएगा कि कैसा हम लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है। तो वो अभी तक आया नहीं है, वो मंडे ट्यूजडे तक डिलीवरी होने वाली है, बट मैं आज शूट कर रही हूँ, वो मैं कभी आपको आगे बता दूंगी। सो ये है, तो इस तरह की मैंने 6 के सेट मंगवाए हुए हैं, मतलब एक सेट में 2 आते हैं, तो मैंने 3 के सेट मंगवाए, मतलब टोटल कर्टन्स मैंने 6 मंगवा करके रखे हैं। एंड साथ में उनका कर्टन्स टाई करने के लिए जो रिबन होता है, कर्टन्स टाई करने के लिए जो होता है वो भी इन्होंने साथ में दिया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो मैंने ये दीवान सेट मंगवाया है रेगुलर यूज के लिए। अगेन ये कॉटन का है और बहुत अच्छा इसमें, मतलब आई थिंक इसमें एक तो पूरा प्रॉपर बेडशीट है, ये हमने यूज भी करना स्टार्ट कर दिया है एंड एक बार वॉश भी हो चुका है, पहले वॉश किया था फिर यूज करना स्टार्ट किया था। सो वॉश हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कलर्स वगैरह कुछ भी इसके लीक नहीं हुए एंड साथ ही साथ ना तो इसका जो फैब्रिक है वो श्रिंक हुआ बिल्कुल भी। तो इसमें 5 कुशन कवर्स हैं उसी के मैचिंग के, 2 बॉलस्टर कवर्स हैं एंड साथ में एक पूरा बेडशीट है, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मेरी मम्मी को इस तरीके का जो मसाला वो होता है ना, मसाला रखने का होता है, वैसा कुछ चाहिए था, लेकिन उनको मसालों के लिए नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था जो भगवान का सामान होता है, हल्दी कुमकुम और वो सारी चीजें होती है वो सब रखने के लिए। सो बेसिकली दिस इज अ मसाला बॉक्स, बट पर्पस इसका मसाला बॉक्स के लिए नहीं था, उन्होंने अपना ये पूजा का सामान रखवाने के लिए मंगवाया। काफी सस्ता था एंड ठीक ठाक क्वालिटी का आया था, प्लास्टिक का है ये, बट उनको मम्मी को स्पेसिफिकली प्लास्टिक वाला ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का ही मंगवाया। एंड ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद आई थिंक मैंने लास्ट अमेजोन हॉल में बताया था कि मैंने चकोटा मंगवाना था मुझे स्टील का, बट वो अच्छा नहीं आया था एंड दिस इज माई सेकेंड अगेन प्रोडक्ट, वो मैंने रिटर्न कर दिया था। तो दिस इज द परफेक्ट वन, मतलब ये एकदम प्रॉपर आया है, ये वैसे ही जैसा मेरे पास है। मेरा वाला यहाँ पे ऑरेंज कलर का है, ये वाला जो है ये ब्लैक में है, तो ये पूरा प्लास्टिक का होता है, तो इससे क्या होता है ना जो साइड्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ कटने वटने का डर नहीं होता है एंड काफी इसकी वजह से ये थोड़ा हैवी भी हो जाता है, तो आपका जो आपको नीचे कुछ रखना नहीं पड़ता है, लाइक पेपर या कपड़ा कुछ भी बिछाना नहीं पड़ता रोटी बनाने के लिए, आप डायरेक्ट इसको रख करके यू नो रोटियां बना सकते हैं, ये हिलेगा भी नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का। मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टील चकोटा,
दिस इज बेस्ट, मतलब ये काफी अच्छा आया है एंड ये हमने सेट में मंगवाया है. इसके साथ बेलन भी आया है स्टील का. तो अभी तक हमारे घर में वही बैम्बू वाला बेलन ही यूज होता है, बट वही होता है बैम्बू वाला जो बेलन होता है उसके अंदर फंगस लग जाती है, गंदा हो जाता है अगर आपने जहां 2-3 दिन यूज नहीं किया उसको, तो उसके अंदर फंगस लग जाती है. सो वही प्रॉब्लम होता है लकड़ी वाले में. तो आप इस तरह का बेलन ले सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का दोनों का सेट आया हुआ है. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैंने ये सोफा कवर मंगवाया हुआ है. तो अभी तक हम लोग हमारे ये जो यहाँ वाले घर में सोफा है, दिस इज 3:2 वाला पैटर्न बनवाया है हम लोगों ने. तो इसके लिए सोफा कवर्स मंगवाया हुआ है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग सोफा कवर. बट मैंने देखा काफी सारे इसके रिव्यूज थे, काफी अच्छे रिव्यूज भी थे इसमें, तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड हो रही थी. इवन मम्मी बड़ी इंटरेस्टेड हो रही थी कि बार बार वैक्यूम क्लीनर से उसको क्लीन ना करना पड़े. मतलब कवर आ जाएगा तो आपको ऐसा ही कि आपको बस कवर उठा करके वॉश कर लेना है, 1 month, 2 month, 3 month जब भी आपको लगे. बार बार ऐसे सोफे को पूरा डीप क्लीन नहीं करना पड़ता वैक्यूम क्लीनर से, वो फिर आप 1 से 6 month कर सकते हो. तो उस पर्पज के लिए हमने सोफा कवर मंगवाया है कि इन केस अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अगेन थ्रो डाल देंगे एंड कुशंस लगा देंगे. बट ये इतना अच्छा आया है, कलर वगैरह सब कुछ इसका बहुत सुंदर लग रहा था. थोड़ा सा मॉडर्न टच में है ये डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो मैंने सारी चीजें मंगवाई है ये थोड़ा मिक्स्ड इंडियन विंडियन थीम मिक्स करके मंगवाया है. तो जब डेकोर करेंगे तब डेफिनेटली हम थ्रो यूज करेंगे, बट ये सोफा कवर अगर हम बिना थ्रो के भी यूज करते हैं ना तो इट विल लुक वेरी नाइस, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन वगैरह काफी अच्छा है. लाइट कलर है, पेस्टल सा है, कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा था. मैंने ये सेट मंगवाया है तो ऑल्दो इनकी ये वाली जो वॉच है ना काफी छोटी सी है, बट ठीक, इवेंचुअली इट विल सॉल्व द पर्पस. तो भली छोटी हो बड़ी हो, छोटी तो है ये थोड़ी, बट ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जब इसके साथ में लगाएंगे तो काफी सुंदर लगेगा. इसके साथ में ये ऐसे मिरर भी, मिरर का सेट आया हुआ है इस तरीके का. हाँ, दिस इज नॉट मेटल एग्जैक्टली. ये मुझे लग रहा था कि शायद ये मेटल आएगा, बट दिस इज नॉट मेटल, ये प्लास्टिक है, थोड़ा ऐसी मटेरियल है, बट दिखने में ये मेटल ही लग रहा है, बट एक्चुअली में दिस इज प्लास्टिक. तभी ये इतना अफोर्डेबल भी आ गया था, आई थिंक 800-900 रुपीज का ये पूरे तीनों का सेट था. ये सब लगाने के बाद पुट टुगेदर कैसे लगेंगे वो मैं आपको किसी अपने व्लॉग वगैरह में शेयर डेफिनेटली करूंगी. दोनों जगह के आपके पास बहुत सारे टूर्स आने वाले हैं. सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. एंड ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ना, दिस वीडियो इज आल्सो इन कोलैबोरेशन विद MHS. सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा मेरा, आप हॉल स्टोर चेक कर लीजिएगा, उसमें ये सब कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो दिए रहेंगे. सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड प्रोडक्ट्स की लिंक जरूर चेक करिएगा. मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.